चमत्कार चर्च टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर आज बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को मिक्स कर रहे हैं, अंतर नहीं समझ रहे जो मैं आपको बता रहा हूं। कौन सा कि दान क्या होता है। सब कुछ को दान ही कहते हैं। परमेश्वर को देते हैं तो वो भी दान ही देते हैं। क्या कोई परमेश्वर को कभी दान दे सकता है? नहीं। दान गरीबों को दिया जाता है। फिर कहता हूं, जो दान शब्द है वो गरीबों के लिए है। परमेश्वर को कभी भी दान नहीं दिया जा सकता। ठीक है, आगे चलकर हम लोग देखेंगे इस बात पे प्रूफ के साथ। दान क्या है, भेंट क्या है, मन्नत क्या है, दशमांश क्या है, बीज क्या है, चंदा यानी कि फंड जो हम लोग इकट्ठा करते हैं वो क्या है, मजदूरी क्या है, सहायता क्या है, ये सब एक नहीं है। इनका अंतर समझिए। आज इन सब का मैं आपको अंतर बताने वाला हूं। दान, भेंट, मन्नत, दशमांश, बीज, फंड यानी कि चंदा, मजदूरी और सहायता, किसी की सहायता करते हैं। तो इसलिए आप पेन और डायरी अपने पास रखिए, ये सब आयतें आज, क्योंकि अगर मैं जुबानी बोलूंगा तो बहुत सी बातें करने वाले तो होते ही हैं, आलोचना करने वाले, लेकिन पवित्र बाइबल में से मैं आपको सारी बातें आपको आज समझाना चाहता हूं। अक्सर मती की अंजील 6 अध्याय से सब लोग इस बात को लेकर चलते हैं। मती 6 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन यहां लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा। तो यहां पर जो दान है शब्द आया है, सब लोग कहेंगे हम लोग चर्च में दान दे रहे हैं या परमेश्वर को दान दे रहे हैं, बिल्कुल गलत शब्द है। यहां पर जो दान लिखा है, दान शब्द जो है इसका अर्थ है, जो इंग्लिश में लिखा है आर्म्स, यानी कि ALMS, एल इसमें साइलेंट है, ALMS, आर्म्स कहते से। तो इसका मीनिंग जो है मनी और फूड, गिव टू पुअर पीपल, पैसा जा खाना भोजन गरीबों को देना। तो प्रवेश से ये कह रहे थे कि जब तुम गरीबों को खाना भोजन यानी कि भोजन जा गरीबों को पैसा बांटे, गरीबों को तो तुरी ना बजवाना, ठीक है, ये कहा जा, मतलब परमेश्वर मसीह कह रहे थे। और परमेश्वर मसीह वो बात नहीं कर रहे थे परमेश्वर को भेंट देने के बारे में। यहां पर जो शब्द आया है गरीबों को देना, गिव टू द नीडी, जो जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, जो जरूरतमंद है उनको जब देते हैं आप, तो वो दान होता है। आप दशमांश नहीं दे सकते, ठीक है, दशमांश नहीं दे सकते, दशमांश परमेश्वर के लिए होता है। आगे चलकर आप इस, मैं आपसे ये कहता हूं, आप पूरी बातें आज समझ लीजिए, ठीक है। गरीबों को जो अपने देते हैं दान देते हैं, ठीक है, जो जरूरतमंद है, चाहे कपड़े दे रहे हैं, चाहे उसे अपने भोजन दे रहे हैं, या पैसा दे रहे हैं। और प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 2 वचन और 4 वचन, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 2 वचन और 4 वचन, जिसको लोग ज्यादा पढ़ते हैं, कॉर्नेलियस के बारे में लिखा हुआ है।
वह भगत था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, ठीक है, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता, बहुत दान देता था। और परमेश्वर ने भी कहा तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, यादगिरी के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। यानी कि पुराने नियम में ये कहा गया था, परमेश्वर ने कहा था कि जो गरीब लोग हैं उन्हें आप दान दें, ठीक है, उनका खाने पीने का आप ध्यान रखें, परमेश्वर आपको इसके बदले में फल देंगे। तो जो ये था, गरीब यहूदी लोगों को दान दिया जाता था, अन्य जाति को नहीं, पुराने नियम की बात कर रहा हूं, अब की नहीं, ठीक है। तो दान जो होता था वो जो गरीब यहूदी होते थे उन्हें दिया जाता था। कुरनेलिस क्या कर रहा था, गरीब लोगों को क्या दे रहा था, दान दे रहा था। तो ये परमेश्वर को भेंट देना नहीं था, आप याद रखें, परमेश्वर को भेंट देना नहीं था, ये था दान। दूसरी बात, सहता, किसकी सहता, सहता अलग है, कोई गरीबों को दिया वो दान है। सहता के बारे में प्रेरितों के काम 11 अध्याय और उसका 29 और 30 वचन, प्रेरितों के काम 11 अध्याय 29 और 30 वचन, तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों को सहायता के लिए कुछ भेजें। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया, भाइयों की सहायता, यानी कि मसीहों की सहायता। तो अगर आप मसीह लोगों की सहायता करते हैं, किसी की भी सहायता कर रहे हैं, उसकी मदद करते हैं, किसी पास्टर की मदद कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं, मसीहों की सहायता, भाइयों की सहायता, तो आप उन्हें जो भी देते हैं वो सहायता उनकी करते हैं, ठीक है। गरीब को दान देते हैं, उन्हें आप दान नहीं दे रहे बल्कि उनकी आप सहायता कर रहे हैं। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, मन्नत, दशमांश, भेंट अलग है, दशमांश अलग है, बीज अलग है, मजदूरी अलग है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से आप सुनते रहिएगा। फिर पहला था दान, दूसरा मसीहों की सहायता, तीसरा उपहार, यानी कि गिफ्ट, अपने गिफ्ट जो हैं वो कई बार देते हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 11 से 19 वचन, फिलिपियों 4 अध्याय 11 से लेकर 19, तो इसमें मैं आपको एक ही वचन पढ़कर सुनाता हूं, 17 वचन, ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं परंतु ऐसा फल चाहता हूं कि तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। 11 से ही इसको पढ़ता हूं, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरी सहभागी हुए। हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुषमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। तो सिर्फ इसकी सहायता की थी फिलिपियों ने, फिलिपियों ने सिर्फ इनकी सहायता की थी। यूरोप की ये सबसे पहली कलीसिया जो थी फिलिपियों की, यूरोप की धरती पे ये थी। तो ये क्या कर रहे थे, ये जो सहायता कर रहे थे, इसे कहते हैं हम लोग परमेश्वर के राज्य में बोना, बीजना। तो ये बीज बो रहे थे, ये ना तो दान था ना ही दशमांश था, लेकिन लेने देने में जो वो सहायता कर रहे थे वो बीज, अपना बीज बो रहे थे। थोड़ा सा और मैं आपको एक मिनट बताता हूँ,
दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 और 7 वचन और 10 वचन भी, 6 और 7 वचन। परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। यह गरीबों के लिए बात हो रही है, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। लेकिन 10 वचन में क्या कहते हैं परमेश्वर? जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। है ना, 10 वचन, बीज। यहां देखते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं ये वचन, बीज। परमेश्वर बीज देगा कि आप बीज बोएं। यशाया 55 अध्याय और उसका 10 वचन में भी लिखा है, यशाया 55 अध्याय और 10 वचन। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। तो यानी कि जो बीज होता है वो परमेश्वर ही देते हैं और आपको परमेश्वर के राज्य में उसे बोना है। तो ये क्या कर रहे थे फिलिपियों के लोग, जो पहली कलीसिया थी यूरोप की धरती पे, ये इन्होंने क्या किया? पौलुस की सहायता की, सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए। वो दूसरी जगह पे सेवकाई के लिए जा रहा था, मिशनरी यात्रा पे जा रहा था ऐसा कहूं तो, उन्होंने उसकी सहायता की। और उस समय जो लेने देने के विषय में जो सहायता की वो बीज है जो परमेश्वर के लिए वो बो रहे थे। अब फंड, चंदा जिसे कह देते हैं, बहुत बार जैसे क्रिसमस पे फंड इकट्ठा करते हैं या चर्च बनाने के लिए फंड इकट्ठा करते हैं, कई लोग क्या करते हैं दशमांश और ये सब मिक्स ही कर देते हैं। मैं जो बता रहा था, जो गरीबों को दान देना और दशमांश देना एक समझते हैं, जो दशमांश होता है वो गरीबों को देते हैं, दशमांश परमेश्वर के लिए होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं हम लोग बीज बो रहे हैं, ये जी हमारा बीज है, हम लोग सेवकाई में बीज बोते हैं, दशमांश को कहते हैं ये बीज बोते हैं। दशमांश तो परमेश्वर का है ही है, उसके अलावा अगर आप 1 रुपए या 10 रुपए या आप लाखों भी जो भी आप उसके अलावा जो दे रहे हैं वो आप बीज बोते हैं। दशमांश को मत समझिए, दशमांश तो परमेश्वर का है और आप दशमांश देते हैं, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। और जब चर्च बिल्डिंग बनती है या कोई क्रिसमस फंड होता है तो कई लोग क्या करते हैं दशमांश ही उठाकर दे देते हैं, लो जी हमारा फंड है, ये चंदा है ना बिल्डिंग के लिए। ऐसा नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा राजा 12 अध्याय, दूसरा राजा 12 अध्याय 9 से लेकर 6 वचन तक, दूसरा राजा 12 अध्याय 9 से लेकर 16 वचन तक। यह लिखा है बिल्डिंग फंड के बारे में, चर्च फंड के बारे में। तब यहोयादा याजक ने एक संदूक लेकर उसके ढक्कन में छेद करके उसको यहोवा के भवन में आने वालों के दाहिनी हाथ पर वेदी के पास रख दिया, और द्वार की रखवाली करने वाले याजक उसमें वह सब रुपया डालने लगे जो यहोवा के भवन में लाया जाता था। जब उन्होंने देखा कि संदूक में बहुत रुपया है, तब राजा के प्रधान और महाजाजक के दो लोग होते थे, है ना, यहोवा के भवन में पाए हुए रुपए को गिन लिया। तब उन्होंने उस तोले हुए रुपए को उन काम करने वालों के हाथ में दिया जो यहोवा के भवन में अधिकारी थे, और उन्हें उसे यहोवा के भवन में बनाने वाले बढ़ईयों, राजमिस्त्रियों, संगतराशों को दिया, और लकड़ी और गड़े हुए पत्थर मोल लेने के लिए वो पैसा भरता, भवन में टूट फूट के लिए वो पैसा खर्चा उन्होंने किया।
और भवन के चांदी के तसले, चिमटे, कटोरे, तुरियां आदि, सोने या चांदी किसी प्रकार का पात्र ना बने, परंतु वह काम करने वालों को दिया गया, ठीक है। और जितना भी था वहां पर वो बिल्डिंग फंड जो था वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो 16 आयत पढ़िएगा, जो रुपया दोष बलियों और पाप बलियों के लिए दिया जाता था, जो पैसा दोष बलियों और पाप बलियों के लिए दिया जाता था, ये तो यहोवा के भवन में ना लगाया गया, वह जाजकों को मिलता था। यानी कि जो तो वो अपने भेंट ऑफरिंग, आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा, ऑफरिंग भेंट जो वो अर्पण करते थे वो नहीं, वो तो जहां जाता था वहां जाता था, लेकिन जो उन्होंने बिल्डिंग फंड लगाया था, चर्च फंड इकट्ठा कर रहे थे, मरम्मत करनी थी उस वहां पर जो काम थे, वहां पर उन्होंने एक संदूक में से बड़े सी पेटी लेकर उसके अंदर छेद कर दिया, उसके अंदर लोग डालते थे। जब वो भर जाता था तो एक तो जो भवन का होता था महाजाजक का आदमी और एक सरकारी का राज्य का आदमी, दोनों उनको खोलते थे, गिनते थे और फिर काम पर जो काम होने वाला था उसमें उसको बांट देते थे। हालेलुया। तो ऐसे दोनों अलग अलग थे, जो ऑफरिंग थी, जो भेंटे थी, बलियां थी, बलिदान थे, जो वो अलग थे, उसको नहीं उसमें अंदर डाल रहे थे, लेकिन जो बिल्डिंग बनाने के लिए फंड था वो ही वहां पर रखा हुआ था। अब मन्नत, मन्नत क्या होता है? वाओ, VOW, मन्नत, ठीक है। जब प्रतिज्ञा जब हम करते हैं, परमेश्वर आपके लिए हम ये करेंगे, परमेश्वर आपके लिए हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हम आपके लिए ऐसा करेंगे, तो भजन संहिता में बहुत बार ये लिखा हुआ है, जब तू परमेश्वर के आगे मन्नत माने तो ऐसा करना, ऐसा करना, देरी ना करना, उस मन्नत को पूरा करना। फिर वहां लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, दाऊद ने कितनी बार मन्नत मानी, कईयों ने मन्नत मानी, और परमेश्वर ने कहा जब तू मन्नत माने तो उसको देने में देरी मत करना, मैं तुझसे ले तो लूंगा लेकिन देरी करेगा तो तेरे पाप गिनी जाएगी, ठीक है। ऐसी बहुत से वचन मन्नत के बारे में लिखे हुए हैं। तो मन्नत एक अलग चीज है, आपने मन्नत जो भी मानी, परमेश्वर संकट में लोग मन्नत मानते थे मेनली, तो ठीक है, और आपने मन्नत मानी, परमेश्वर जी मेरा ये हो जाए और मैं ये जो है इतना पैसा चर्च में दूंगा या ये वस्तु मैं चर्च में दूंगा, तो आपने कह तो दिया परमेश्वर जी हम लोग ऐसा करेंगे, मन्नत आपको देंगे। लेकिन फिर जब आप मन्नत देने लगे चर्च में, तो आपने क्या किया, वो जो दशमांश पड़ा हुआ था, दशमांश में से आपने, मान लो वैसे कह रहा हूँ, आपने कहा मैं 500 रुपया मन्नत अर्पण करूंगा, 5000 रुपया मन्नत, जो आपका दशमांश था वही उठाया और वही आप मन्नत के तौर पर दे दिया। ऐसा नहीं होता, मन्नत मन्नत होती है, बीज बोना होता है, बिल्डिंग फंड जहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम है चर्च में, क्रिसमस फंड जहाँ कुछ और भी जो भी कुछ करना होता है, जब फंड इकट्ठा करते हैं वो, ठीक है, और वो उसी काम के लिए लगता है। हम लोग जब फंड इकट्ठा करते हैं किसी बात के लिए, जहाँ क्रिसमस फंड लगा ले, तो हम लोग उसमें से एक रुपया भी अपने घर पर इस्तेमाल नहीं करते, जिस मकसद के लिए इकट्ठा हुआ, चर्च का फंड जो होता है वो चर्च के फंड पे इस्तेमाल होता है। कई बार मैंने देखा है, मुझे याद है, कई बार जैसे क्रिसमस के पे फंड इकट्ठा किया और सब कुछ सामान जो बचा होता है हम लोग वापस भेज देते हैं, जैसे प्याज हैं वो वापस नहीं जाते, ऐसी कई चीजें होती हैं। तो अगर 2 किलो प्याज भी हैं तो भी मैं पूछ लूंगा इसका कितने पैसे थे, 15-20 रुपए किलो के हिसाब से, जितना भी रेट होता था उतने पैसे मैं चर्च को दे देता हूँ, क्योंकि वो वापस नहीं जाएंगे, उसको मैं घर में इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो वो बिल्डिंग फंड अलग चीज है, जहाँ किसी प्रोग्राम के लिए फंड इकट्ठा किया वो एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग जनरेटर के लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे ना कुछ समय पहले, और काफी हमारे पास लोगों ने फंड को दिया है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग क्या करें, दशमांश को और जो दान है या जो मन्नत है वो सब कुछ एक ही समझ लें, एक ही इकट्ठा कर लें, अलग है। अब आप दशमांश को समझिएगा, मलाकी 3 अध्याय जो सबसे टाइथ के बारे में प्रसिद्ध है, आयत मलाकी 3 अध्याय 8-11 वचन, जब तुम परमेश्वर कहते हैं तुम मुझे लूटते हो और फिर भी पूछते हो किन बातों में, वहां लिखा हुआ है,
भेंटों में और दशमांशों में। तो दशमांश परमेश्वर परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर को कभी परखना नहीं चाहिए, वचन कहता है, लेकिन परमेश्वर यहां कहते हैं ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जरोखे तुम्हारे लिए खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं, नहीं करता। सो जो लोग दशमांश परमेश्वर की देते हैं, परमेश्वर ने आकाश के जरोखे खोलकर आशीष देते हैं। और अगर वो मन्नत मानते परमेश्वर जी हम लोग ऐसा करेंगे, हमारी मदद करो, हमारा ये काम हो जाए, हमारा ऐसा करें, वो मन्नत होती है, गवाही के लिए मन्नत होती है, तो वो आकर चर्च में आते हैं, उस मन्नत को पूरा करते हैं गवाही के साथ, देखो मैंने ये मन्नत मानी थी, परमेश्वर मेरा ऐसा हो जाए और मेरी मन्नत पूरी होगी है, और आज मैं ये मन्नत जो मानी थी उसको पूरा कर रहा हूँ, मेरी बात पूरी होगी है। हालेलुया। तो यहाँ पर दशमांश के बारे में लिखा है, दशमांश यही नहीं है, जब कुछ लोग कहते हैं ये तो व्यवस्था में लिखा था, व्यवस्था तो निर्गमन 20 अध्याय में आई, मूसा के द्वारा आई। जब आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं, कुछ आयतें मैं आपको बता देता हूँ कि ताकि ये वचन ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ही बताना चाह रहा हूँ। उत्पत्ति 14 अध्याय और उसका 20 वचन में, धन्य है परमप्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया, तब इब्राहिम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तो यहाँ कौन सी व्यवस्था थी जब इब्राहिम दे रहे हैं दशमांश, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा निर्गमन 20 अध्याय में। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं उसने क्या किया, दशमांश दिया। यहाँ पर यह शब्द जो आया है वो दशमांश आया है, लेकिन अब जब आप उत्पत्ति 28 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 28 अध्याय और उसका आप पढ़िएगा 22, 20 वचन भी पढ़िएगा और 22 भी पढ़िएगा, 28 का 20 वचन मैं पहले पढ़ता हूँ। तब यकूब ने ये मन्नत मानी, क्या मानी, मन्नत, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर से कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और यहाँ पर फिर वो बात कर रहा है दशमांश के बारे में, और जो कुछ तुम मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही दिया करूंगा। फिर यहाँ तो ये दशमांश देने की बात जो हो रही है ये तो निर्गमन से पहले की है। फिर आप आ जाइए लेवी व्यवस्था 27 अध्याय, लेवी व्यवस्था 27 अध्याय 30 31 और 32, लेवी व्यवस्था 27 अध्याय 30 31 और 32। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, यहां दशमांश चाहे वह भूमि की भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। वो यहोवा ही का है, दशमांश यहोवा ही का है और वो यहोवा ही के लिए पवित्र ठहरे। ये नहीं कि आप दशमांश उठाया और किसी भुखारी को आप बांट रहे हैं, कहीं 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 गरीबों को दे दिया, कहीं वहीं कर दिया, कुछ जो मर्जी आप करते रहे, नहीं, वो यहोवा का है और वो यहोवा ही के लिए पवित्र ठहरे। आज बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे, जो भी दशमा पहले दशमांश निकाल लेंगे और फिर जहां अपना मन करेगा उस दशमांश को वहीं इस्तेमाल करेंगे, नहीं। क्या लिखा है, दशमांश यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। अगर आप किसी की मदद करना चाहें तो जरूरी नहीं है कि आप परमेश्वर का हिस्सा ही उसकी मदद करें। आपने आपके आप मान लो आपको पास 10,000 रुपए आया और आपने 1,000 दशमांश निकाल दिया, तो आप किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं तो ये नहीं है कि वो 1,000 रुपए मदद करें, वो तो यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। जो परमेश्वर नियम ठहराया है उसके मुताबिक वो है उसके लिए, लेकिन आप अगर उसकी मदद करना चाहते हैं तो जो 9,000 रुपए आपके पास है उसमें से उसकी मदद करें। आपने बीज बोना तो उसमें से बोएं, आपने चर्च फंड देना है किसी काम के लिए तो उसमें से दें, आपने दान करना तो उसमें से करें, दशमांश में नहीं। आपने कोई मन्नत माननी है तो उसमें से पूरा करें, दशमांश में नहीं, ठीक है। तो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे,
यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो पांचवा भाग बढ़ाकर उसे छुड़ाए, और गाय और बैल और भेड़ बकरियों अर्थात जो जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं उनका दशमांश अर्थात दस दस पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। सो ये दशमांश परमेश्वर का है, यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। आप पवित्र दशमांश को, पवित्र वस्तु को, पवित्र दशमांश को आप कहीं भी नहीं फेंक सकते। पवित्र वस्तु को, पवित्र दशमांश को कहीं भी नहीं, ये भी इधर उधर काम मर्जी डाल दो उसको, नहीं, वो यहोवा का है। और जैसे परमेश्वर का निजम है वो दशमांश अपने पास्टर को दें, वो दशमांश चर्च में दें। अब बलिदान भेंट जिसे लोग दान ही कहते हैं उसे भी दान ही कहते हैं, दशमांश को भी दान कहेंगे, बीज बो रहे हैं तो भी दान कहेंगे, किसी की सहायता कर रहे हैं दान कहेंगे, अगर दान कर रहे हैं तो दान कहेंगे कहेंगे, जो भेंट है उसे भी दान ही कहेंगे। भेंट अलग है, किसी कलेक्टर से डीसी से या एसपी से मिलने जाते हैं तो क्या हाथ में कुछ लेकर जाते हैं अगर मिलने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए या कुछ भी, तो क्या दान लेकर जाते हैं उसके लिए? नहीं, ऑफरिंग लेकर जाते हैं, भेंट लेकर जाते हैं ना। तो जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो भेंट लेकर जाते हैं, दान नहीं। परमेश्वर को कोई व्यक्ति दान नहीं दे सकता, दान शब्द है ही नहीं है बाइबल में। परमेश्वर को देने के लिए दान, गरीबों के लिए, गरीब यहूदियों के लिए, गरीबों के लिए, ऐसा कहूं आज अन्य जाति भी हो तो भी कोई नहीं, लेकिन ये नहीं है कि दान परमेश्वर को, जी हाँ जी हम लोग दान दे रहे हैं, नहीं। बहुत साल पहले हम भी दान ही कहते थे, ठीक है। तो जो भी लोग दान देना चाहते हैं वो आज्ञा कर अपना दान दे सकते हैं, ऐसा हम लोग कहते थे। जब हम लोगों ने सुना, सीखा, समझा, पढ़ा कि दान नहीं, क्योंकि जैसे हमें सिखाया गया था हम तो यही कहते थे दान दान दान, परमेश्वर को दान दिया, हमारी औकात नहीं है हम परमेश्वर को दान दें। अब आप समझे, बलिदान, भेंट, ऑफरिंग, सैक्रिफाइस, अपनी बलिदान, बलिदान, भेंट परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखती है। भेंट, बलिदान परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखता है, आपको फिर मैं कह रहा हूँ। आप प्राणनी में देखें, जब परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए जाते थे तो कैसे बलिदान चढ़ाए जाते थे और उसके प्रतिफल क्या मिलते थे, कितने बड़े प्रतिफल परमेश्वर उन्हें देता था जो बलिदान चढ़ाते थे, कितना प्रसन्न परमेश्वर होता था जो बलिदान चढ़ाते थे, बलिदान यानी के भेंट चढ़ाते थे। तो आप परमेश्वर को भेंट चढ़ाने वाले हों, इस अंतर को समझें। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय उसका 5, 6 और 13 वचन, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय उसका 5 और 6 वचन फिर 13 वचन। किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, परमेश्वर जो भवन चुन ले, यहाँ परमेश्वर कहते हैं अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा, और वह तुम वही तुम अपने होम बलि, मैं ये नहीं कह रहा आपको कहाँ चढ़ाना है, किसको देना है, किसको नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे ही भेजिए, आप, मैं सिर्फ इनका अंतर आपको बताना चाह रहा हूँ, आप इसका अंतर समझिए। क्या कहते हैं, वही तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंटे, या एक ही नहीं लिख दिया सब दान, ऐसा नहीं है, क्या लिखा है, होम बलि, मेल बलि, ये दोनों क्या है, भेंट है, बलिदान है, दशमांश उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पलोठों ले जाया करना। 7, 13 वचन, 12 का 13 वचन यहीं पर ही, और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए ना चढ़ाना, जहां भी ठीक है वहां चढ़ा दो होम बलि, सावधान रहना, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वहां अपने होम बलियों को चढ़ाया करना, ठीक है। खैर, आप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ सब अलग अलग है, बलिदान अलग है, दशमांश अलग है, मन्नत अलग है,
दूसरा इतिहास 7:14 दूसरा इतिहास 7:14 दूसरा इतिहास 7:4 14 में दूसरा लग लिखा है 4 दूसरा इतिहास 7:4 राजा सुलेमान ने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां चढ़ाई भेंट चढ़ाई यूं पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। तो इस इतने ज्यादा बलिदान जो है वो चढ़ा रहा है, इतने ज्यादा वो बलिदान चढ़ा रहा है राजा। तो ये होते थे बलिदान चढ़ाना, तो ये थे बलिदान। अब मजदूरी, लूका की अंजील 10:07 लूका की अंजील 10:07 जब परमेश्वर ने अपने चेलों को भेजा प्रचार के लिए, तो उसी घर में रहो और कुछ उनमें से उनसे मिले वही खाया पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। ये कब हो रहा है बात? जब वो क्या कर रहे थे, परमेश्वर मसीह ने उन्हें बाहर सेवकाई के लिए भेजा, तो चर्च के अंदर बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं, दशमांश दिए जा रहे हैं। पास्टर आपके पास आते हैं, वहीं भी आप दशमांश दे सकते हैं, अपनी मन्नत पूरी कर सकते हैं, चर्च में आकर भी अपनी मन्नत पूरी कर सकते हैं। बाइबल में जैसे लिखा, मजदूर। अब मैं आपसे कहता हूं, आपने अपने घर पे बुलाया पास्टर जी को, पास्टर को, अपोस्टल को, किसी को भी जो सेवा करते हैं, पास्टर लोग हैं जो, ठीक है, दास परमेश्वर के, भी हमारे बंदगी करके जाओ, हमारे घर प्रार्थना करके जाओ, तो उस समय आपको क्या देना है? मजदूरी, क्योंकि मजदूर मजदूरी का हकदार है। उसमें आपको चाहिए मजदूरी देना। एक वचन और पढ़ता हूं, 5:18 क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। आपको ये एहसान नहीं कर रहे, आप उसे दान नहीं दे रहे। मैंने देखा कई पास्टर लोग जब अपनी चर्च के लोगों के घर जाते हैं, तो उन कलीसिया से मिलते हैं, बैठते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, बंदगी होती है, तो क्या कहते हैं, लो जी ये दान आप ले लो, दान देते हैं, पास्टर को दान देते हैं। मजदूरी, उसे उन्हें मजदूरी दें, आप कोई आसान नहीं कर रहे, मजदूरी दे रहे हैं। वहां लिखा है मजदूर का हक है, उसका हक है, उसे आप मजदूरी दें। और ये भी हिसाब लगाकर, अगर वो बस पर आया है आपके पास, तो मान लो उसका 400 रुपए किराया खर्च हुआ और आपने उसे मजदूरी दी 500 रुपया, तो सिर्फ परमेश्वर के लेखे में 100 रुपया लिखा जाएगा, क्योंकि 400 रुपया तो उसका बस पे किराया लग गया। अगर वो बाइक पे जा रहा है, कार पे जा रहा है, तो उसके डीजल का हिसाब लगाकर आप जो देते हैं वो देना चाहिए, वो ही गिना जाएगा। जो खर्चा हो गया हो गया, वो तो हो गया उसका, पेट्रोल वाला, डीजल वाला, पेट्रोल पंप पे तो गया वो पैसा। तो मजदूरी, एक बात और क्लियर करूं थोड़ा सा, 1 Corinthians 9:7-14 पहला क्रंथियों 9 अध्याय कौन कभी अपनी गिरे में गिरे से खाकर, अपनी जेब से खाकर सिपाही का काम करता है, वो तनख्वाह लेते हैं। कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उसका दूध नहीं पीता? क्या
क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी ये यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दामते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शरीर को वस्तुओं की फसल काटें? जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? परंतु हम ये अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में यानी कि आराधनालय में सेवा करते हैं वे आराधनालय में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं? इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीव का सुसमाचार से हो। जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, पास्टर हैं, प्रचारक हैं, एवेंजलिस्ट हैं, जो भी, उनकी जीव का सुसमाचार से हो। उनका खाना सिर्फ खाना ही नहीं, उनके कपड़े, उनका बाइक, उनका पेट्रोल, उनका डीजल, उनके बच्चों का पालन पोषण, वहीं से हो सब। तो उनकी मजदूरी है, वो हकदार हैं। और एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूँ, पहला फल, नहमिया 10 अध्याय, नहमिया 10 अध्याय 35, 36 और 37 वचन। हम अपनी अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति के वृक्षों के पहले फल प्रति वर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे, और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने पहलौठे बेटों और पशुओं अर्थात पहलौठों के बछड़ों और मेमनों को अपने परमेश्वर के भवन में ये उन याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं। हम अपना पहला गुंदा हुआ आटा और उठाई हुई भेंटे और सब प्रकार के वृक्षों के फल और नया दाख मधु और टटका तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पहले फल के बारे में लिखा हुआ है। अंत में निर्गमन 23 अध्याय, निर्गमन 23 अध्याय 15 वचन और उसका 19 वचन, निर्गमन 23 अध्याय 15 वचन और 19 वचन। मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए, परमेश्वर ने कहा था। मुझको कोई खाली हाथ, छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। जब चर्च में आप आए, परमेश्वर कहता है मुझे कोई खाली हाथ ना आए। आपके हाथ में कुछ भी हो, दशमांश हो, भेंट हो, मन्नत हो, जहाँ जो भी आप परमेश्वर के बलिदान देना चाहें, सब इच्छा बलिदान, वो हो, खाली हाथ ना हो। और 19 वचन कहता है, अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग और अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आया करना। खैर, वो अपने अलग से पढ़ चुके हैं। तो निर्गमन 34 अध्याय और इसका 20 वचन भी हम लोग अगर पढ़ते हैं, तो 34 अध्याय, निर्गमन 34 अध्याय और उसका 20 वचन, मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। यहाँ भी लिखा है कोई भी खाली हाथ अपना मुंह ना दिखाए। तो इसलिए आप इस बात को समझें, विधान क्या है, भेंट क्या है, मन्नत क्या है, दशमांश क्या है, बीज क्या है, कोई चंदा क्या है, मजदूरी क्या है, ये सब एक नहीं है। आप इनका अंतर समझें। बस मैं ये आपको समझाना चाह रहा था, इनका अंतर, इनमें अंतर क्या है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दें और प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करें।